Hello, what's up, people? Welcome back to another episode of BC Rewind, your weekly dose of news entertainment. My name is Vipinn Peter, and let's start. Alright, so let's start this episode with the hottest news of last week. Last week, Esha Gupta ne apne lingerie photo shoot ki pics shayad ye sochkar post ki thi ki sexy mujhe log bole. To in pics ko dekh kar jahan kuch logon ka ye kehna tha ki वहीं कुछ लोगों ने बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया। आई एम श्योर ऐसे वाहियात कमेंट्स पढ़ने के बाद ईशा वाज लाइक एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? इसलिए इन उल्टे सीधे कमेंट से ना परेशान होते हुए ईशा ने अपने हेटर्स से कहा आओ डिकरा आओ, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर और भी बहुत सारी पिक्स पोस्ट कर दी। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। आई थिंक हेटर्स का मुंह बंद कराने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आप चाहे जो भी काम करो, कुछ तो लोग कहेंगे। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि बचाओ रिलीज होने वाली है, कहीं ये किसी प्रमोशनल स्ट्रेटजी का पार्ट तो नहीं था। मूविंग अहेड, लास्ट वीक अन्नू कपूर जी ने देशभक्ति की परिभाषा को ही बदल दिया, एंड आई वॉज लाइक बदलना है बदल दो। जो लोग नहीं जानते कि अनु कपूर कौन है, पहले उन्हें देख लो। आपको दो नहीं चाहिए और तो अनु चाहिए दी ने ऐश्वर्या। पहले करियर डिसाइड करो, बाद में बच्चा पैदा करो। और अब सुनो कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या था। आप गाना कोई भी गाइए, गाना समाप्त होगा वंदे मातरम के ऊपर। आप देखिए, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने मुन्नी बदनाम हुई को वंदे मातरम से मिक्स भी कर दिया यार। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सारे मापनी सुख दाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। आई एम श्योर ये सुनकर ए आर रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स वुड बी लाइक अबे गधे हैं क्या हम? अन्नू जी, जो हुआ सो हुआ। बस जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स पर भजन बना देते हैं ना लोग, आप देशभक्ति के गाने मत बना देना। मूविंग अहेड, लास्ट वीक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ पहलाज नीलानी जी को अपनी पोजीशन को अलविदा कहना पड़ा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। आई एम श्योर ये डिसीजन सुनकर काफी सारे प्रोड्यूसर्स वुड बी लाइक आज की पार्टी क्योंकि बॉन्ड फिल्म में किसिंग सीन को बैन करने से उड़ता पंजाब तक कई फिल्म्स का बैंड बजाकर मिस्टर निलानी प्रोड्यूसर्स के पिछवाड़े में लगा देते थे हाय मिर्चे बुह बुह मिर्चे। इन एन इंटरव्यू मिस्टर निलानी सेड कि वो बहुत जल्दी फिल्म मेकिंग शुरू करेंगे और काफी सारी फिल्म्स अनाउंस करेंगे। चलो आपको उनकी एक पुरानी फिल्म का ट्रैक सुनाता हूँ। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, तेरे आशिक खड़ा है। क्यों था ना काफी संस्कारी? आई थिंक मिस्टर निलानी जब नेक्स्ट टाइम मूवी बनाए तो उनकी मूवी को बैन करके उन्हें कह देना चाहिए जो पाएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा। वैसे आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि मिस्टर निलानी ने जो लिपस्टिक अंडर माय बुरखा के साथ किया था, कहीं उसकी वजह से तो अपनी पोजीशन नहीं खो दी? क्योंकि उस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर एकता कपूर की दोस्त स्मृति ईरानी आजकल INB मिनिस्टर हैं। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। Alright, that's it for this week. We'll be back with our next episode next Saturday. Till then, like, share, comment, subscribe to our channel, and bye-bye.